मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते, कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूं, जब मुश्किलें ना होती हैं मेरे पग तब चलने में भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदि हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। अंगार अधर पे धर मैं मुस्कुराया हूँ, मैं मरघट से जिंदगी बुला के लाया हूँ। हूँ आँख मिचौली खेल चला किस्मत से, 100 बार मृत्यु के गले चूमाया हूँ। है स्वीकार नहीं दया अपनी भी, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। आपके कपड़े भी आपकी पहचान है। ताली बजाइए, ताली बजाइए बच्चों के लिए। श्री इंद्रमणि बडोनी का जन्म अखोड़ी गांव जखोड़ी टिहरी में हुआ था। इस प्रकार तो मैं उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के नाम याद होने चाहिए। आज 24 तारीख है और 24 तारीख को इंद्रमणि यूक्यूटी के संरक्षण उनका जन्मदिन है। सबसे मजे की बात यह है कि दांतों की दिक्कतें होती हैं, ये उस श्रेणी में आती हैं जो हम प्रिवेंटेबल कहते हैं। और मैजिक मंडाला, मैजिक मंडाला। और लास्ट में कुछ बच्चों ने 3 चीजें एक्स्ट्रा करी। हेलो, हाय, किरण खा रहे आज देखो। इस बार हम पर और हमारे भोजन पर और हमारे भोजन पर आशीष दे, आशीष दे। रिस्पेक्ट प्रिंसिपल ऑल टीचर एंड ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। हैप्पी बर्थडे टू यू।
आपका दिन अच्छा रहे। मेरा नाम नमन नौटियाल है। उत्तराखंड को रोजगार कैसे मिलता है? राज्यों के इच्छुक बेरोजगार लाभार्थी रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना होगा यदि आपको रोजगार चाहिए। धन्यवाद। एक्चुअली ये बच्चे क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा सा ये उसे चिट में लिख करके इसमें डालेंगे, तो इसमें से हम उस चिट को थोड़ा बाहर निकालेंगे, आप देखेंगे और थोड़ा संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा बच्चों को एडवाइस। हमारे अतिथिगणों का और हमारी जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष महोदया है उनका सभी का बहुत बहुत हार्दिक दिल से हम स्वागत करते हैं अपने विद्यालय प्रांगण में। जो भी कुछ बनना चाहते हैं ये नहीं करना चाहिए कि अभी कोई पुलिस की भर्ती निकल गई तो उसी में तैयारी करो या फिर कल दूसरी भर्ती आ गई जिससे अगर पुलिस का बनना है तो उसी में तैयारी करनी चाहिए। प्रधानाचार्य महोदय और जो अध्यक्ष है और जो सभी टीचर्स यहाँ पे उपस्थित है उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों का थोड़ा मार्गदर्शन कर सकूं। आपके सामने अभी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है टेंथ के बाद वो है कि आप कौन सा स्ट्रीम चुनेंगे। हमारे समाज में यहाँ पे अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम अपना कैरियर चुनते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकें। तो कैरियर एक सरकारी नौकरी कैरियर नहीं है मैं जहां तक समझता हूँ। Thank you.